हेलो गाइस, गार्डनिंग इज माय पैशन चंगुन में आपका स्वागत है। ये फूल तो आपने अक्सर कहीं भी देखे होंगे और जगह जगह आपको दिखते हुए मिल जाएंगे। इसमें ये वाइट कलर है, पीले कलर, गुलाबी कलर और भी कलर आते हैं, तो कितना प्यारा कलर लगता है। ये रेन लिली है। रेन लिली बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारे कलर में खिलती है। ये हमेशा बरसात में ही बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे और बहुत सुंदर फूल देती है। आप देख रहे हो कितनी प्यारी खिल रही है। इसकी देख रेख केयर बहुत आसान होती है, इसकी कोई ख़ास केयर नहीं करनी पड़ती। एक बार लगा लो ज़मीन में, बहुत अच्छे से चलती है। बस इसमें एक इल्ली लग जाती है जो इसको बुरी तरीके से खाती है, उसका ध्यान रखना पड़ता है। जैसे ही इल्ली लगे तो उसकी दवाई का उपयोग करें और स्प्रे कर दें तो इल्ली मर जाती है। वो भी साल में एक या दो बार ही लगती है, हर बार जल्दी जल्दी इसमें वो कीड़ा नहीं लगता है, आप देख सकते हो। और गमले में आप लगा रहे हो तो गमले को भी धूप में रखें, और गमले में इसके बल्ब बहुत सारे कुछ दिनों बाद इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर लें, नहीं तो गमले में जगह नहीं बचती और उतनी ज़्यादा केयर नहीं हो पाती है, तो बहुत अच्छे से फूल नहीं दे पाती है। तो आप ज़मीन में लगा रहे हो तो ज़मीन में भी बल्ब, एक बल्ब से ही बहुत सारे बल्ब धीरे धीरे बन जाते हैं, तो आसानी से ये फूल देती रहती है। और क्या, गमले में अगर लगा हुआ है तो गमले को भी धूप में ही रखना चाहिए, और कम फूल आ रहे हैं तो उनके बल्ब थोड़े ट्रांसफ़र इधर उधर कर दें। और फूलों का सीजन है, फूल नहीं आ रहे हैं तो आप उसमें उतनी जगह बना लें, थोड़ी बोन मील खाद डालकर उसकी अच्छे से गुड़ाई कर दें। कुछ दिनों में आप देखोगे रेन लिली में फूल भर भर कर आने लगेंगे, और धूप में रखोगे तो बहुत अच्छे से आने लगेंगे। और चाहो तो आप उसमें केले के छिलके का पानी या प्याज के छिलके का पानी डाल सकते हो, उनसे भी बहुत ही सुंदर, बहुत ही लाजवाब फ़ायदा मिलता है और फूल भी बहुत सुंदर सुंदर आने लगते हैं। और ये आप उपाय करके देखिए, रेन लिली में बहुत फ़ायदा मिलेगा और रेन लिली बहुत सुंदर होती है। और आप लगाओगे गमले में तो गमला जब खिलता है सारे दिन सारे महकता, तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप लगा कर देखो ये कितना प्यारा लग रहा है ये लगा हुआ है।